मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे शहर में लगातार पुतला जलाने का सिलसिला जारी है और अब अजीत पवार गुट के कार्यकर्ताओं ने जितेंद्र रवाड का पुतला जलाया है। इससे पहले शरद पवार गुट ने छगन भुजबल का पुतला जलाया था, वहीं अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार गुट द्वारा पूर्व कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड के पोस्टर और पुतले जलाए गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के जिला अध्यक्ष आनंद परांजपे ने बताया कि अगर आप हमारे नेताओं का पुतला जलाएंगे तो हम भी उसका कड़ा विरोध करते हुए आपके नेताओं का पुतला जलाएंगे। आनंद परांजपे ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। बीजेपी बचाने में शरद पवार जी ने सबसे ज्यादा उनको मदद की थी, ऐसा भी आरोप जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुभाष देसाई ने लगाया। मेरा कहना है कि आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ये हमारे लिए कल भी दैवत थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। वो हमारा श्रद्धा स्थान है। बहुजनों के नेता छगन भुजबल जी ने अपनी बात कल के भीड़ के सभा में रखी, उसका उत्तर सही है गलत है ये पवार साहब दे देंगे। गली के टुटपुंजों नेताओं को जरूरत नहीं उसके ऊपर वक्तव्य और ट्वीट करने की। जितेंद्र आव्हाड का पुतला जलाया आपने जिस तरीके से, सुबह जो है राष्ट्रवादी पार्टी जो शरद पवार गुट उनके तरफ से छगन भुजबल का पुतला, अगर वो हमारे नेताओं का पुतला जलाएंगे तो हम भी उनके नेताओं के पुतले जला सकते हैं। हमने शुरुआत नहीं की, शुरुआत उन्होंने की है, इसलिए हमने भी पुतला जला। उनका ऐसा कहना है कि छगन भुजबल ने ऐसा कहा कि सुप्रिया सुले कह रहे कि अजीत पवार हमारे नेता है, शरद पवार भी कह रहे कि हमारे नेता, अगर आपको कहना तो साफ तौर पर कह दे कि अजीत पवार आज भी हमारे गुट में ही है। कल भुजबल साहब ने अपनी बात रखते हुए मैं यही कहा कि नासिक में जाहिर सभा हो गई, कोल्हापुर में हो गई, बीड़ में हो गई, लेकिन बारामती में जब जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अजीत दादा हमारे नेता है। तो इस मामले में या तो हमारे श्रद्धा स्थान आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब कह सकते हैं, या हमारी सांसद सुप्रिया ताई कह सकती है, या खुद अजीत दादा पवार कहेंगे। बीच में किसी को बोलने का हक ही नहीं है।